तो देखो फ्रेंड, मेरा पहला प्लांट हमेशा मनी प्लांट रहता है। पहला मैंने आज भी जिस संडे मेरा वीडियो आया है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा प्लांट पहला मनी प्लांट मेरे घर के आगे रहता है। तो ये मेरा मनी प्लांट है और ये मुझे मॉस स्टिक जो बनाई है वो मैंने खुद बनाई है। और जब से मैंने चैनल शुरू की थी तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो वही था कि मॉस स्टिक घर पे 10 रुपये में कैसे बनाए। तो जो लोगों ने न्यू है मेरे, तो जो लोगों ने नहीं देखी है तो मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, देख लेना कि 10 रुपये मॉस स्टिक कैसे बनाए। तो मैंने ये बनाई थी और उसके ऊपर मैंने स्वीट पोटैटो वाइन लगा के रखी है और ये वाइन मैंने इसमें लगाई है, वहाँ से उसके साथ मैंने दोनों को एक कर दिया है। तो ऊपर है स्वीट पोटैटो वाइन, नीचे है मेरा मनी प्लांट और यहाँ है डिफनबेकिया, इसमें मैंने 2 प्लांट लगा के रखे हैं। और जहाँ जहाँ मैंने ये टट्टन वाइल टूट जाती है तो मैं ऐसे में सभी गमले में रख देती हूँ तो अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये मेरा है नियोनिमा प्लांट। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, उसका कॉडेक्स देखो, उसकी कॉडेक्स ही उसकी ब्यूटी होती है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है एरिका पाम। फिर आता है मेरा गुड़हल, और गुड़हल का प्लांट ये वेरीगेटेड है और यहाँ देखो इसमें फूल अभी शुरू हो गया है आने का, छोटा छोटा आता है ठंडी की वजह से। और यहाँ मेरे धूप आती नहीं है, अभी अभी शाम के शायद 4 या 5 बजे के बाद थोड़ी सी हल्की सी धूप आती है। तो फिर भी देखो मेरे प्लांट में बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी की है और बहुत सारी कलियाँ भी आना शुरू हो गया है। और आता है मेरा ये वेरीगेटेड फाइकस। वेरीगेटेड फाइकस के साथ देखो कहाँ से भी मेरा टमाटर का प्लांट उग गया था। तो टमाटर के प्लांट में देखो फूल के साथ साथ देखो टमाटर भी आ गए हैं, ये छोटे छोटे टमाटर। तो फाइकस के अंदर मैंने आलू भी लगाई है, ये आलू का प्लांट है, ये वाला आलू है और ये वाला टमाटर है और बीच में है फाइकस मेरा। फिर आता है ये मेरे हीरू ने देखो छोटे छोटे कप में, ये किसने किया है छोटे छोटे गार्डन, हीरू किसने बताया, हीरू ने बनाया है। तो पहले मैंने यहाँ देखो ये हार्ट पर्पल और इसका नाम भी देखो। और मैंने आज एक काम किया मेरे गार्डन में कि मुझे जिसके भी नाम नहीं आते थे तो मैंने उसके ये ऐसे नाम लिख दिया है। ये देखो बास्केट प्लांट, तो आज मेरा बास्केट प्लांट देखो और इसकी खूबसूरती, वैसे तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो बहुत सुंदर लगता है, यहाँ से मैंने तोड़ के छोटे छोटे कप में लगाए थे तो देखो यहाँ से वो निकल आया है, यहाँ से भी देखो आगे से मैंने तोड़ दिया तो बीच में से निकल आया है। तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगने वाला प्लांट है। मेरे पास यहाँ टांगने की कोई जगह नहीं है पास प्लांट को, तो इसलिए मैंने यहाँ वही मेरे वरंडे की जो पारी है उसके यहाँ मैंने रख दिया है, इसके पास है। आज मैं तो पूरा पहले मेरा सभी हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट दिखा दूँ। ये है मेरा जेड प्लांट, ये मेरा रेड सिंगोनियम और ये है मेरा स्नेक प्लांट। ये रहा, तो मैंने ऐसे देखो ये मेरी रेलिंग है, तो रेलिंग के जो जगह है उसके ऊपर मैंने सभी बास्केट वाले प्लांट लगा दिए हैं। ये मेरा अजवाइन का प्लांट है, ये मेरा वेरीगेटेड मनी प्लांट है, इसका भी मुझे नाम नहीं आता था, मैं स्पाइडर प्लांट बोलती थी तो इसका भी मैंने नाम यहाँ लगा दिया है पेंडनल्स। और ये है मेरी पप्पल हार्ट वाइन आर्ट, और देखो इसमें कितने छोटे छोटे फूल आते हैं, बहुत सारी टूट जाती है नीचे नीचे, आज यहाँ से भी टूट गई, देखो बहुत बड़ी हो गई है तो टूट भी जाती है, पर मैं जैसे तैसे करके मैनेज करती हूँ, बंदर भी तोड़ जाते हैं। और अब नीचे आती हूँ मैं, नीचे में सबसे पहले मेरा आता है कोलियस। तो कोलियस देखो मेरे पास कितनी वेराइटी है, आई एक ये 2, ये 3, ये 4 और ये
पांच और छठी वेराइटी अभी मैंने दो दिन पहले ही कटिंग लाके लगाई है, तो वो इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला एक प्लांट है और कोई भी फूल नहीं आए फिर भी इतनी सुंदर ब्यूटीफुल प्लांट है कि हर एक गार्डन में उसको एक कोने में जगह तो देनी ही चाहिए हमें। और एक ये प्लांट है, इसमें भी फूल आते हैं, उसके भी मुझे नाम नहीं आता, मैंने ढूंढ के ऐसे कुछ लिखा दिया है मेरे मित्र के पास। और आप सभी को जिसको भी इसका नाम आए, जो हम गार्डनिंग वाले बोलते हैं, तो मुझे बता देना। इसमें छोटा सा एक नीम का पेड़ भी लग गया है। और ए यहाँ आते हैं तो यहाँ मेरा स्नेह ए है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को मैंने ऊपर से कट कर दिया तो देखो नीचे से नई नई एक मस्त प्लांट निकल के आया है। और ये दूसरी वैरायटी में सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये है एस्पराइगस, इसकी मेरे पास दो वैरायटी है, मैं दूसरी वैरायटी आपको दिखाती हूँ। और एक रोहियो जिसका मुझे नाम नहीं आता था, उसका भी मैंने नाम लिख के तैयार कर दिया है। देखो इसके नीचे मैंने लिख दिया है रोहियो, बार बार मैं भूल जाती हूँ। तो देखो रोहियो, इसके आगे अब जाते हैं तो ये आते हैं मेरे रेन लिली, जो मैंने मेरे पास छोटे बल्ब थे तो मैंने इसमें लगा के रखी है। और इसमें एक छोटा सा एडिनियम भी लग गया है। ये है टर्टल वाइन और ये मेरा मनी प्लांट एलोवेरा। तो ये है एलोवेरा और नीचे मैंने राई के थोड़े दाने डाले थे तो वो भी निकल आए हैं। यहाँ थोड़े मैंने मिर्ची के बीज डाले थे तो वो भी निकल आए हैं। ये फिर से टट्टन वाइन और ये बीच में मैंने लहसुन डाला था, जो कलियाँ ख़राब हो जाती है तो मैं यहाँ से लहसुन डाल देती हूँ। यहाँ भी लहसुन है, यहाँ बीच में प्याज डाली है, ये भी मिर्चा है, ये स्नेक प्लांट है। देखो इस मिर्ची में तो फूल भी आ गए हैं। अब दूसरी भी मिर्ची का प्लांट है, इसमें भी फूल आने लगे हैं। और ये आता है यहाँ मेरा सिंगोनियम, वहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन वाला सिंगोनियम है। और बीच में टूटी हुई मटकी में पीछे छुप गई है मेरी विंका है, वाइट वाली विंका है। यहाँ धूप की वजह से इनके पर कोई फूल आता नहीं है। और ये मेरा मोगरा है जिसको मैंने कटिंग कर दी थी तो अब उसकी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है देखो। और ये मेरा मीठा नीम का पेड़ है, वो ख़राब हो गया था तो मैंने ऊपर से कट कर दिया तो उसको भी अब अच्छी सी ग्रोथ हो गई है, धीरे धीरे हो जाएगा। ये मैंने एक पीपल का पेड़ लगाया है और ये मेरा मैक्सिकन पिटोनिया का तीनों कलर है, पर्पल वाइट और पिंक। और बीच में यहाँ भी मैंने प्याज लगा रखी है। और ये देखो सभी ऑफिस टाइम मेरे, तो मैंने फिर से इसको कटिंग करके तैयार कर दिया है। ये मेरी हार्ट टर्टन वाइल ख़राब हो गई थी तो आज ही मैंने जो ख़राब हो गई थी वो निकाल दी और जो अच्छी अच्छी वाली थी वो मैंने आज फिर से उसको ग्रो की है। बहुत अच्छी थी पर पता नहीं कैसे बहुत इतनी बड़ी लंबी लंबी हो गई थी पर पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। तो मैंने सब निकाल के, मैं क्या करती हूँ जैसे जैसे निकालती हूँ ख़राब होती है तो मैं ऐसे अपने सभी, देखो यहाँ भी लगा दी है और यहाँ भी, ऐसे मैं हर एक गमले में रख देती हूँ। और जिसमें से भी मैंने देखा अच्छी अच्छी मिल गई, जो जो जड़ वाली थी वो मैंने आज इसमें फिर से लगा दी है। ये है देखो कितना बड़ा ऊंचा गया है। और ये मेरा नाग चंपा। और यहाँ जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है दोरड़ा, इसमें हम झूला के लगा के यहाँ बैठते हैं मैं और हीरू। तो चलो फिर से शुरू करते हैं नीचे से। ये है तो मिर्चा हो गया, मिर्चा और ये मिर्चा भी हो गया और ये ड्रेसिना महात्मा। और ये मेरा ऐसा ग्रीन कलर का है तो मैंने कहीं से भी ऐसा पिंक कलर वाला लाके इसमें मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई है तो वो भी अच्छे से लग गई है। देखो ख़राब नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है। फिर आता है स्नेक प्लांट।
ये भी ड्रेसिना महात्मा मेरे नीचे है, जमीन पे है, और ये ढेर सारा मोगरा है। यहाँ भी है मोगरा, यहाँ से यहाँ भी मोगरा इधर हुआ है। और ये है मेरा एक जोरा, जो रेड कलर का एक जोरा है, तो मैं ख़राब हो गया था तो फिर मैंने कटिंग कर दी है। तो नागचंपा भी हो गया। और फिर आता है मेरा ये एडेनियम, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, फिर से इसमें फूल आने का शुरू कलियाँ आने लगी हैं। मैं उसको रिपोर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि इसके कोई जगह छोड़ी नहीं है। अब यहाँ थोड़ी जगह है और यहाँ थोड़ी जगह है, सभी जगह उसका देखो रूट्स, बहुत सारे रूट्स फैल गए हैं, तो उसको खाने का कुछ नहीं मिलता। तो फूल भी आते हैं तो छोटे छोटे आते हैं, तो मैं इसको रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ। और फिर से एक और फाइकस वेरिगेटेड, ये है मेरा ड्रेप वैरायटी वाला एक्जोरा, इसमें वाइट और यहाँ ऑरेंज, दोनों मैंने एक ही गमले में लगा के रखा है। हार्ट टटन वाइल है और टटन वाइल, दोनों को मैंने साथ में लगाया, वहाँ से ख़राब हो गई थी तो मैंने इसमें रख दिया है, वो अपने आप निकल के आ जाएगी। ये दूसरा भी मेरा एडेनियम है, ये छोटा सा है, इसमें भी मैंने देखो हार्ट टटन वाइल को लगा दिया है, वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर आता है मेरा ये गुड़हल, जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, अभी उसमें एक भी फूल नहीं आया है, लेकिन कहीं मैंने देखी है कि इसमें एक कली आई है। देखो पहली कली इसने निकाली है, तब फूल आएगा तो पता चलेगा कि कौन सा फूल है। और ये देखो मेरा क्रिसेंथेमम सेवंती, तो देखो अभी मेरे सबके यहाँ तो फूल आके चले गए, लेकिन मेरे यहाँ पहली बार यहाँ अभी कलियाँ आई है इसमें। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्लांट है मेरा, और पहली बार ही कली आई है इसमें, अभी फूल खिलने में टाइम लगेगा। वो वाइट कलर का है, ये भी क्रिसेंथेमम है, इसमें भी अभी कलियाँ नहीं आई है, मतलब शुरू हुई है, इसमें आ गई है कलियाँ। ये भी वाइट है, इसमें भी अभी देखो, ये भी क्रिसेंथेमम ने अभी मुझे फूल देना शुरू किया है, क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आती और बिना धूप फूल नहीं, तो वहाँ बहुत सारी कलियाँ तो आ गई है। मेरा एक क्वेश्चन, ये मेरा देसी झरबेरा है तो इसमें फूल नहीं आते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों बताना मैं क्या करूँ। मैंने इसमें DAP भी डाला है, माइक्रोनिटन डाला, और सागरिका का भी मैं स्प्रे करती हूँ, फिर भी इसमें कली नहीं आई है। और ये देखो ऑफिस टाइम, जिसको मैंने कटिंग फिर से लगा दी है। तो अब मैं आपको मेरा पीछे वाला गार्डन दिखाती हूँ। आ गया पीछे, यहाँ मेरे थोड़ी सी धूप आती है, तो मैंने यहाँ पीछे धूप, जो जिसको धूप चाहिए वो वाला मैंने यहाँ रखा है। तो आप देख सकते हो पिटूनिया, मेरे पिटूनिया अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरी गुलदावरी देखो, इसमें भी फूल आ गए हैं। ये मैं लाई थी कहाँ से, कैक्टस, तो अभी इसमें कुछ आया नहीं है, वैसा का वैसा है। और ये रहा है इम्प्रेशन, तो मेरे इम्प्रेशन में अब भी कलियाँ आने शुरू हो गई है। एक बार तो फूल आ गए, अभी दूसरी बार उसने कलियाँ देना शुरू कर दिए है। ये मेरा कलंचो, कलंचो में भी मेरे अभी कलियाँ आने लगी है। ये सारे पिटूनिया हैं, सब भी मैं अलग अलग कलर के लाई हूँ। और एक ये मेरी छोटी सी एडेनियम की कटिंग है, और ये देखो इसका नाम है सिल्वर डस्ट, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और देखो मुझे उसका क्या करना है, कैसी सॉइल चाहिए, कुछ पता नहीं था, मैंने ऐसे ही फेरिया आया था, उसके पास मुझे पसंद आ गया तो मैंने 30 रुपये में ले लिया है। वो 50 बोलता था लेकिन मैंने 30 में दिया है, और मेरे घर आने के बाद उसने बहुत अच्छी सी ग्रोथ कर दी है। तो देखो आज का मेरा, ओ एक तो ये छूट गया, और ये देखो इसमें भी एक ना एक फूल खिलता रहता है, कली आई है दूसरी। ये मेरा प्लांट खराब नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे उसने ग्रोथ शुरू भी की है और फूल देना भी शुरू कर दिया है। तो आज का मेरा ये गार्डन अहमदाबाद वाला कैसा लगा, तो देखो मैंने जो मुझे दो कटिंग मिली थी एडेनियम की, तो मैंने यहाँ इसमें अकेले सैंड में रख दी है,
काफी टाइम हुआ है अभी, लेकिन इसमें वो गली गीली भी नहीं है, मतलब अभी ऐसी की ऐसी है, तो मुझे लगता है वो सर्वाइव कर पाएगी। ऊपर से देखो अच्छी सी है, तो खराब नहीं हुई है, तो मेरी एक कटिंग भी लग गई ऐसा लगता है, तो मेरे पास और दो प्लांट हो जाएंगे। तो आज का मेरा गार्डन आपको कैसा लगा बताना, और जो जहाँ भी मैंने कहीं भी भूल की है तो प्लीज़ फ्रेंड आप इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं उम्र की वजह से कई कई प्लांट के नाम भूल भी जाती हूँ, इसलिए तो मैंने आज ऐसे ऐसे जहाँ भी जिसका भी नाम नहीं आता था मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो ऐसा मैंने लगा के रख दिया है, मतलब मेरी मित्तू ने लगा के रख दिया है। तो चलो मेरा गार्डन का वीडियो देखना, फूल वीडियो देखना, फिर बताना और एक अच्छी सी कमेंट भी करना कि मेरा ये आपको कैसा लगा। और ये मेरा डबल पिटल का एडेनियम का सीड्स जो मैंने ग्रो किया है, तो इसमें से 5-6 खाली बचे हैं, सभी बीच में मैं घर छोड़ के आ गई थी, 15 दिन नहीं गई तो काफ़ी प्लांट मर गए, लेकिन इतने तो बच गए हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा एक अच्छी सी कमेंट करके बताना, और जो भी न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ।